के लिए एग्जाम्पल 19 लेते हैं, यहाँ पे हमें एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इट इज़ ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। दिस इनइक्वालिटी इज कॉल्ड कोशी-शिवाज इनइक्वालिटी। कोशी-शिवाज दो मैथमेटिशियंस थे, उनकी नाम पे है। इनइक्वालिटी में पहले इक्वालिटी होल्ड तब कर लेगी अगर हम मॉड ए वेक्टर सपोज जीरो होगा तो मॉड ए भी जीरो आ जाएगा, ए डॉट बी भी हो जाएगा जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, दोनों जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हम लेंगे सपोज ए और बी है नॉन जीरो वेक्टर्स। अब हमें पता है कि ए डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी। अगर हम उस मैं दोनों साइड से मॉडुलस अप्लाई कर देंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा ए डॉट बी मॉड ऑफ ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए इंटू मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू वन। ये हमने पढ़ा है कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा जीरो और वन के बीच में होगा मैग्नीट्यूड के हिसाब से। तो कुछ ऐसे आ गया कि ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ए मॉड बी इज लेस और इक्वल टू वन, उसकी वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कुछ ऐसे आ गया।